15,000 से ज्यादा कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर चल रही है, और उन 15,000 कंपनीज में करोड़ों लोग, सोचो करोड़ों लोग हर महीने ज्वाइन करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है वो करोड़ों सक्सेसफुल हो जाते हैं? अगर जिसने ज्वाइन किया वही सक्सेसफुल हो गया तो ये इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे टॉप पर होती, लेकिन अभी भी टॉप पर नहीं है, है ना? तो उसका रीजन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो सब करते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता कि इसके अंदर करना क्या है, जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं। तो वही चीज हम जानेंगे कि हमें करना क्या है। हम जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, देखिए आप लोग स्कूल कॉलेजेस में भी गए होंगे, किसी भी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप लोग 10 कॉलेज और इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं कि कौन सा बेहतर है, यस और नो? लेकिन जब हमारे करियर की बात आती है, जब हम किसी कंपनी को चूज करते हैं, किसी एसोसिएशन को चूज करते हैं, तो हम किसी तरह की कोई छानबीन नहीं करते। तो ये हमारी सबसे पहली मिस्टेक होती है। तो कंपनी तो कोई भी हो, कंपनी में तो चलो आप सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ गए तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ खरीदने, बेचने और जोड़ने की बातें होती हैं, वहां पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बात होती नहीं है। और जहां पे यकीन मानिए आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे बात नहीं होगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारने की बात नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने की बात नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी को सुधारने की बात नहीं होगी, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप एक लीडर कैसे बनेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज का बिजनेस है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है लीडरशिप का। पहले आपको खुद एक अच्छा लीडर बनना है, और अच्छा लीडर बन के आपको अपनी टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स क्रिएट करने। अगर आप ये काम नहीं कर पाए, सिर्फ खरीदने, बेचने और जोड़ने पे लगे रहेंगे, तो होगा क्या कि आप कुछ टाइम तो सरवाइव कर लेंगे, या कुछ टाइम, है ना, कुछ टाइम आप सरवाइव कर लेंगे। वो कुछ टाइम क्या है? 1-2 साल। उसके बाद आपको झक मार के कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा तो आ नहीं रहा होगा, और बिना पैसे के आप समाज सेवा करने तो निकले नहीं हो, है ना? हम की नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करे थे कुछ सपने लेकर के, और वो सपने अगर हमारे पूरे नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा, है ना? तो हमें अपने सपने पूरे करने, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। चलिए ज्वाइनिंग हमारे हाथ में नहीं, मैं इस बात को मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में इतना मैच्योर नहीं हुआ था कि हम एक चीज के बारे में रिसर्च कर सके। ये बात मैं मान लेता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन इसके बाद जो दूसरी गलती हमसे हो जाती है वो है हम लोग ट्रेनिंग सिस्टम को महत्व नहीं देते। इसको बोलते हैं चिंदी चोरी करना। हम क्या करते हैं, आज हमने कंपनी को ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, हमारी कंपनी ने कोई एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी, उसका टिकट रखा 500 रुपए। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। हमारी कंपनी ने आज एक ट्रेनिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जिसका टिकट रखा 500 रुपए। हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारे अपलाइन तो हमें बताई देंगे, क्योंकि वो तो इस ट्रेनिंग में जा ही रहे हैं, है ना? हमारे बाकी जो लोग हैं वो तो जा ही रहे हैं इस ट्रेनिंग में, वो हम उनसे पूछ लेंगे, वो हमें बता देंगे। तो ट्रेनिंग में जाने का क्या फायदा, 500 रुपए बचाते हैं। हम लोग चिंदी चोरी कर जाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग्स में नहीं जाते, ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो जो लोग ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैं आपको बता दूं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो नहीं करते। जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके जा चुके हैं, और वो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, वो उनका सबसे बड़ा फेलियर का जो कारण था वो था ट्रेनिंग सिस्टम को अहमियत ना देना। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको अहमियत मत दीजिए, राइट? आप अपने तरीके से काम करिए, अपने हिसाब से आप चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप ही को आपकी टीम फॉलो करने वाली है। अगर आप 500 रुपए बचाएंगे तो आपकी टीम, सोचो अगर आपकी टीम में 10 लोग है तो वो कितने बचाएगी, 5,000 रुपए बचाएगी, राइट? क्योंकि सभी 500 बचाएंगे ना, आपने भी तो 500 बचाए। तो इस चीज का ध्यान रखें, 10-20-50 रुपए बचाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि कुछ पाना है तो पहले कुछ लगाना पड़ेगा। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करने हैं, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, रिकॉग्निशन चाहिए और विदेश यात्राएं चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन कुछ लगाना नहीं चाहते, तो आप यकीन मानिए ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आता है ट्रेनिंग के ऊपर। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से तैयार हो जाइए, अपना एक बजट बना लीजिए। एक महीने के अंदर अंदर कम से कम आप 3,000-4,000 रुपए खर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे। वो ट्रेनिंग आप बुक से ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, अपने अपलाइन के सिस्टम में ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, जो पेड ट्रेनिंग्स होती है, क्योंकि फ्री में आपको सिर्फ उतना ही सीखने को मिल सकता है जितना दुनिया सीख रही है, ठीक है? और जितना दुनिया सीख रही है उतना ही कर भी रही है, और उसी की वजह से वो सारे लोग चल रहे हैं। अगर आप भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फ्री के चक्कर में लगे रहिए। फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता किसी भी इंसान को, इस दुनिया में कुछ भी फ्री है ही नहीं, आप इस चीज को समझ लीजिए, राइट? तो अगर आप फ्री में सीखने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ उतना ही सीख पाएंगे जिससे कि गुजारा चल सकता है, काम चल सकता है। सक्सेस नहीं मिल सकती, सक्सेस के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रीमियम मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप ग्रो करेंगे। क्योंकि जो इंसान एक्स्ट्रा लगाता है वो एक्स्ट्रा पाता भी है,
जो इंसान उतना ही लगाता है तो उतना ही नॉर्मल ही पाता है, राइट। तो अगर आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं कहीं पे तो एक्स्ट्रा पाएंगे भी। आप एक महीने के अंदर 3,000 खर्च करके देखिए अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, उस महीने आप देखिएगा आपकी ग्रोथ कितनी होगी। जितनी पिछले 10 महीनों में ग्रोथ नहीं होगी उतनी एक महीने के अंदर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। वो 3,000 कहां खर्च करना है, आप बुक्स के ऊपर खर्च करिए ना। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें बिजनेस की ऐसी ऐसी टिप्स दी हुई हैं, लेकिन वो बुक्स क्या है, थोड़ी सी कॉस्टली है, हम लोग इसलिए परचेज नहीं करते, है ना। तो कॉस्ट की वजह से हम लोग डर जाते हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पे कहना ये हो सकता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं इसलिए तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया आपने तो आपको ये बात समझ नहीं आई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, ये बात आपको समझ नहीं आई थी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इसको जॉब की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि चलो करते जाएंगे, फ्री में करते जाएंगे और हम पैसा कमा लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और आज ही समझ लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अगले 5-6 साल बर्बाद करने के बाद समझेंगे तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो चुके होंगे, फिर आप जीरो से शुरू करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है शुरू में समझ जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, बिजनेस में सीखना और लगाना दोनों पड़ता है, राइट। तो इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा, टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करना है आपको, तब जाके आप ग्रोथ मिलेगी। अगर आप सोचे कि मैं कुछ ना करूं और मुझे ग्रोथ मिल जाए तो आप गलत फहमी का शिकार है, राइट। तो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आपने किसी कंपनी को और किसी ऑर्गेनाइजेशन को चुन ही लिया है, अगर आपकी संगत खराब भी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन खराब भी है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप लोग अपनी एक अच्छी ट्रेनिंग को चूज करिए, वो ट्रेनिंग चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हो, आपकी साइडलाइन ऑर्गेनाइजेशन की हो, कंपनी की हो, या कई और कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हम लोग कोर्स कराते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ट्रेनिंग सिस्टम ही तो है। तो आप किसी भी अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं जहां से आपको सीखने को मिले। उसमें अगर आपको कुछ 10-20 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 1,000-2,000 पे करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उस 1,000-2,000 के मदद से आप ये सोचो कहां पहुंच सकते हो, अपने कितना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझ